नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल करियर जंक्शन पर स्वागत करता हूं। मैं यहां पर हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाने के लिए अपॉइंट हुआ हूं और आज पहली क्लास है हम लोगों की। तो आज हम लोग पॉलिटी से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के टॉपिक कवर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आज पॉलिटी से शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे पॉलिटी हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे कि जो भी एग्ज़ाम है वहाँ से क्वेश्चन आए, और किसी एक एग्ज़ाम को बेस करके नहीं पढ़ाया जा रहा है ये, कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए, ये लगभग सभी वनडे एग्ज़ामों के लिए है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके लिए जो पॉलिटी सब्जेक्ट उसको तो पढ़ेंगे ही, प्रैक्टिस सेट भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसको अलग अलग परीक्षाएं जैसी आती रहेंगी उस हिसाब से उसका प्रैक्टिस सेट भी लगाया जाएगा उस क्वेश्चन के अनुसार। देखिए यहाँ दोस्तों, आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो आज से पढ़ना शुरू करेंगे। पॉलिटी में, इसको हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं, और इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो संविधान पढ़ना है, क्योंकि संविधान के बारे में ही हम लोगों को इसमें जानना है कि संविधान है क्या, कैसे बना, किन किन बातों का उल्लेख किया गया है संविधान में। देखिए दोस्तों, पॉलिटी बहुत एक बहुत ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है, लेकिन ये चेंज होता रहता है, समय समय संशोधन होते रहते हैं तो बदलता रहता है, तो अपडेट होने की भी आवश्यकता पड़ती है इसमें। बाकी है सबसे ईजी और बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी समझ में आता है। ठीक, देखिए इसमें जो संविधान है, हम लोगों को संविधान में पढ़ने के कुछ तरीके हैं इसके। एक तो हम लोग सीधा अनुच्छेद से शुरू कर देते हैं कि अनुच्छेद क्या है, कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या नहीं, और क्या क्या उसके अप्लाइड, जहां जहां पे अप्लाई होते हैं, इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने के लिए। पहला तो देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए पहली आवश्यकता तो यह है कि हमें ये जानना पड़ेगा या ये जानना चाहिए कि वह विषय है क्या, किस चीज़ के बारे में हमें बता रहा है, कौन से सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, किस वो कहाँ पे अप्लाई होता है क्या नहीं है, इन सबको जानना है। तो पहला तो हमें ये देखना है कि संविधान है क्या। तो पहला तो क्वेश्चन यही होता है कि संविधान क्या है, यानी दूसरी भाषा में कह लें तो संविधान की परिभाषा। दूसरा ये है कि संविधान की जरूरत क्यों है। भाई अगर कोई भी वस्तु हमारे पास है, या कोई भी वस्तु है या कुछ भी है, अगर वो हमारे पास है तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि उस विषय की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है, या हमारे लिए उस विषय की क्या आवश्यकता है, या क्यों हमारे पास है वो। अगर है तो उसकी कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई विशेषता होगी, कोई ना कोई आवश्यकता होगी, इसीलिए हमारे पास है। तो हमें इसमें ये भी जानना है कि हमें संविधान की आवश्यकता ही क्यों है। तीसरा, संविधान कब बना और संविधान कैसे बना, दोनों चीजें हैं कि भाई संविधान है क्या, संविधान की जरूरत हमें क्यों है, कब बना और कैसे बना। अगर आप हाल फिलहाल में जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने भी पेपर आ रहे हैं, अगर आप देखिए कि उन पेपरों में अगर 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से उठते हैं। अभी हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे कहाँ कैसे क्या है। तो पहला तो यह है कि संविधान है क्या। देखिए दोस्तों, संविधान वह विषय है, या ऐसे कह लें एकदम सरल भाषा में, कि संविधान वह पुस्तक है जिसमें किसी देश के संचालन के लिए विधियों का उल्लेख किया होता है, या इसको दूसरी भाषा में कह दें कि किसी देश के संचालन के लिए जिन विधियों का जरूरत होती है, उन विधियों का जिस पुस्तक में या जिस किताब में उल्लेख किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं संविधान। यानी संविधान, देखिए जो किताबी परिभाषा है वो अलग है, लेकिन परिभाषा का मतलब होता है किसी भी विषय के बारे में कम से कम सरल शब्दों में बता देना, ही उस विषय की परिभाषा होती है। यहाँ सबसे इजी है कि किसी भी देश के संचालन के लिए जिन विधियों की आवश्यकता होती है, उन विधियों का उल्लेख जिस किताब में किया जाता है, उसे कहते हैं संविधान। ये संविधान
दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। लिखित का मतलब वह संविधान जहां पे लिख करके प्रत्येक चीजों का उल्लेख किया गया है, वो लिखित संविधान होता है, जैसे कि आपके भारत का। दूसरा होता है अलिखित। अलिखित का मतलब वह संविधान जहां पे विधियों का लिख करके उल्लेख नहीं किया गया, वो होता है अलिखित, जैसे आपके ब्रिटेन का। भारत का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई, अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे संविधान की विशेषता, एक टॉपिक आती है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझिए संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। लिखित यानी जो लिखा हुआ हो, अलिखित मतलब इसका अर्थ ही क्लियर है। भारत का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। विश्व में जो सबसे पहले संविधान लागू हुआ जिस देश में, उस देश का नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विश्व का पहला संविधान वहां पे लागू हुआ, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला संविधान कहां पे लागू हुआ या किस देश ने पहली बार संविधान को अपनाया, तो वह है वो यूएसए। देखिए, दूसरा प्रश्न आता है कि संविधान की जरूरत हमें क्यों है। तो संविधान की जरूरत अगर हम देखें तो ये लॉन्ग टॉपिक है, और इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि संविधान की आवश्यकता जो है हमें क्यों पड़ी। देखिए, संविधान जब आपके भारत में, यानी अपने भारत में 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और भारत का अगर आप इतिहास देखें या भारत में सभ्यता का विकास अगर हम देखें कि भारत में सभ्यता का विकास कब हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा। हालांकि ये और डिटेल में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर भारत में अगर आप देखते हैं कि सभ्यता का उल्लेख कब से मिलता है या सभ्यता का साक्ष्य हमें कब से मिलता है, तो एक इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम लोग समय देखें तो अलग अलग किताबों में अलग अलग समय मिलता है, लेकिन इसका जो सबसे ऑथेंटिक है वो 2500 से लेकर के 1750 BC सबसे प्रमाणित है ये। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास यानी समय हमें मिलता है कि जिस किस समय के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो वो थी 2500 BC से लेके 1750 BC के मध्य में हमें सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। और अगर आप इतिहास पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं, तो अभी आगे हम लोग इतिहास भी पढ़ेंगे और यहीं प्राचीन इतिहास से ही उसको भी शुरू करेंगे। ये 2500 BC अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े तो उसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहाँ का प्रशासन था या जो वहाँ की नगरीय व्यवस्था थी, वहाँ के लोगों का जो साक्ष्य मिलता है वो ऐसे लगता है। देखिए, वहाँ के बारे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो वहाँ के लिपियाँ मिली है, हम पढ़ नहीं सके अभी तक उस लिपि को, तो पढ़ नहीं सके तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा वास्तविक जानकारी नहीं है, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम लोग, उससे यही पता चलता है कि वहां कोई ना कोई तो ऐसी व्यवस्था थी जो सभी को समान रूप से शासित करती थी। क्योंकि वहां की नगर व्यवस्था देखिए, वहां की सड़कें देखिए, नालियां देखिए, वहां का व्यापार देखिए, तो इससे लगता है कि कोई ना कोई व्यवस्था थी जो वहां को, वहां के लोगों के ऊपर शासन कर रही थी और लोग उसी के द्वारा जो है शासित हो रहे थे। 2500 BC से आप चलिए तो भारत में संविधान लागू हुआ 1950 में, और ये AD है। अगर आप 2500 BC से 1950 AD में आते हैं तो ये होता है 4450 वर्ष। यानी जब भारत में सभ्यता का विकास मिलता है उसके करीब 4450 साल, या उसको नियर अबाउट 4500 साल कह दीजिए आप, इतने वर्ष बाद भारत में संविधान जो है वो लागू हुआ। अब बात ये आती है कि जब इतने वर्ष बाद संविधान लागू हुआ तो हमें जरूरत क्या पड़ी संविधान की। पहली चीज आती है कि अगर आप देखिए 4400 साल या 4500 साल भारत में बिना संविधान के भारत चला, और अगर उस समय का अगर आप भारत देखें तो इससे बड़ा था,
जब इतने वर्ष बिना संविधान के भारत चल गया, तो फिर हमें कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमें फिर संविधान की आवश्यकता पड़ी और संविधान हमें लागू करना पड़ा। तो इसका प्रश्न उत्तर पाने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके बाद का जो समय आया भारतीय इतिहास में, वो समय है वैदिक काल। वैदिक काल, और वैदिक काल का समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी। ये समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी। इस काल में देखेंगे तो आपको एक आर्यों का काल भी कहा जाता है इसे, क्योंकि आर्य आए थे यहां पे। यहां पे जो लोग थे वो कबीले में बटे हुए थे। कबीले का मतलब होता है लोगों का समूह, यानी लोग अलग अलग समूहों में रहते थे, जिसे कबीला कहा जाता था। कबीले का जो मुखिया होता था वो राजा होता था, और वो उस हिसाब से लोग यहाँ पे, चूंकि इस समय भूमि का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था, तो लोग भूमि को ज्यादा महत्व ना दे करके लोग चरवाहे की तरह जिंदगी व्यतीत करते थे। खाना बदोश कहा जाता है, एक जगह से दूसरे फिर तीसरे, इस तरह से चलते रहते थे। लोग कम थे, जमीनें ज्यादा थी, इसलिए जमीनों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। आप देखिए तो गौतम बुद्ध के काल में 16 महाजनपद मिलता है, यानी 16 राज्य मिलते हैं अगर दूसरे भाषा में कह लें, जिसे उन्होंने 16 महाजनपद के नाम से उल्लेखित किया है। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध ने धीरे धीरे क्या किया, किसी को समझौते के द्वारा, किसी को युद्ध में जीत करके मिला लिया, और एक बचा वही रह गया मगध। मगध से जो राजाओं का काल कर चलना शुरू होता है, चंद्रगुप्त मौर्य आए, उससे पहले भी लोग थे लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से बढ़िया इतिहास मिलता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर अशोक आए, उसके बाद अगर आप देखिए तो गुप्त आए, कुषाण आए, कई सारे ऐसे राजा आए। फिर अगर आप देखिए तो 1192 ईस्वी में तुर्क राज की स्थापना हुई। फिर आप देखिए 1526 ईस्वी में मुगल आए। फिर यहां देखिए 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए। अब देखिए ये लोग आते रहे, और ये कोई लंबे लंबे समय तक शासन किया इन्होंने, लेकिन इन लोगों के शासन में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। कमी क्या थी कि इन सबका जो शासन होता था बेसिकली यहां तक, इनके शासन का आधार था धर्म। यानी जो राजा जिस धर्म का होता था, अपने धर्म के अनुसार क्या करता था, वो शासन करता था। हिंदू राजा हुआ तो हिंदू धर्म के अनुसार शासन करता था, मुस्लिम हुए तो मुस्लिम के अनुसार, यानी जो इस्लाम में है उसके अनुसार शासन करते थे। सिख हुए तो सिख धर्म के, यानी जो भी राजा जिस धर्म का था वो अपने धर्म के अनुसार क्या करता था, शासन को संचालित करता था। और इस समय कुछ अच्छी बातें भी थी तो कुछ बुरी बातें भी थी। अगर आप अच्छी बात देखें तो हर धर्म में, जो आज हम लोगों को संविधान बताता है, वही चीजें धर्मों में भी बताया गया है। कुछ बुरी बातें ये थी कि कुछ विशेष लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त था, कोई वर्ग शोषित था जिसको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, उसका शोषण हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उसमें असंतोष की भावना थी। लेकिन जब ये चीजें चल रही थी, देखिए इन सब चीजों को हम लोग इतिहास, ये जो भी यहाँ पे लिखा है सब इतिहास का विषय, इतिहास में इसको बहुत सही से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी केवल यहां थोड़ा सा हम लोग को देखना है कि हमें संविधान तक हम लोग आए क्यों और हमें जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन जब 1600 एडी में यहां पे अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने दो तीन चीजें देखी। उन्होंने तो पहला तो ये देखा कि भारत में लोग थे तो, लेकिन यहां भारतीय कोई नहीं था, हर कोई बटा हुआ था, कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई बटा नहीं हुआ था। लोगों को लोग जो आपस में मतभेद होते थे, कोई वर्ग शोषण करता था तो कोई वर्ग शोषित होता था। अंग्रेजों ने इसी का लाभ उठाया, और इसी का लाभ उठाने के कारण उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे करके, देखिए जब ये अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने धीरे धीरे, देखिए दो चीजें हैं कि ये तो आए थे यहाँ पे व्यापार करने, इनका जो उद्देश्य था व्यापार करना ही था, लेकिन इनको लगा कि अगर हम भारतीय शासन को कंट्रोल करें, उसको नियंत्रित करें, तो हम भारत में व्यापार और ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से इन लोगों ने भारत में जो है भारतीय व्यवस्था को, या राजकीय व्यवस्था को, या शासन को नियंत्रित करने की कोशिश किया, यूं कह ले नियंत्रित किया। इस नियंत्रित करने के उसमें
प्रक्रिया में इन्होंने भारतीय समाज की कई सारी बुराइयां भी देखी और उसी समय भारत में कई सारे समाज सुधारक हो, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, गांधी जी, ऐसे कई सारे नेता निकल के आए जो भारतीय समाज में कुरीतियों का विरोध कर रहे थे। और जब कुरीतियों का विरोध कर रहे थे तो जो लोग ऐसे हैं जिन्हें सम्मान प्राप्त नहीं था या जिनका शोषण हो रहा था, वे लोग उनके अधिकारों की बात करते थे। जैसे आप देखिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, अंत में 1829 में सती प्रथा बैन की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में सभी के समानता की बात की। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं के सम्मान, पिछड़ों के सम्मान, यानी जो सभी लोगों के समानता की ही बात की। गांधी जी ने दलितों के लिए काम किया, भीमराव अंबेडकर, ऐसे बहुत सारे नेता हुए जो भारतीय समाज की बुराइयों को धीरे धीरे दूर कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनमानस था यानी भारतीय लोग थे उनके भी दिमाग में भी ये चीज़ें आने लगी कि यहाँ कोई जन्म से छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ लोग बना दिए गए छोटे बड़े, और कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने अधिकारों की मांग करने लगे। और इसी बीच में एक चीज और हुआ, अंग्रेज चलते रहे, 1600 ईस्वी से ये चलना शुरू किए और ये पहुंच गए 1900 तक। 1900 के बाद अगर आप देखिए तो, अगर आप 1900 के बाद क्या, अगर आप यहां 1905 में भी चले जाइए, बंगाल विभाजन अगर आप इतिहास पढ़े तो आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। तो जब अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया और उन्होंने धीरे धीरे, आप देखिए, पहले राजा जो होता था वंशानुगत होता था, राजा का लड़का ही राजा बनता था, लेकिन अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष अधिकार दिया। अभी हम लोग जब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। अप्रत्यक्ष अधिकार दिया, फिर प्रत्यक्ष अधिकार दिया, असेंबली में जो है वीटो, धीरे धीरे चीजें आने लगी भारतीयों पर, थोड़ा थोड़ा अधिकार मिलने लगा। और ये अधिकार मिलने का क्रम सबसे ज्यादा तेज कब हुआ, और ये तेज हुआ जो है ये 1857 की क्रांति के बाद। यहां पर अंग्रेजों ने भारतीयों को अधिकार देने शुरू किए और भारतीयों को ये लगने लगा कहीं ना कहीं कि भारत में जो शासन है वो राजाओं के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजाओं, कई सारे राजा, देखिए इसमें कई सारे राजा अच्छे राजा हुए, कई सारे राजा ऐसे हुए जिनके उनके कुशासन के लिए ही जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं राजाओं के लिए असंतोष भी था। लेकिन ज्यादातर 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन हुआ, आप देखेंगे अगर इतिहास का, जो इससे पहले अगर आप देखिए तो जो भारतीय नेता थे वो अर्ध स्वशासन की मांग करते थे। अर्ध स्वशासन यानी अंग्रेज बने रहें लेकिन भारतीय शासन में भारतीयों को भी थोड़ा बहुत शासन करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन 1905 में जब बंगाल विभाजन हो गया तब भारत में एक नई चेतना आई और इस चेतना का कारण नए नए नेता थे, जिसमें लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोग निकल करके आए। और इन लोगों की जो सोच थी वो अर्ध स्वशासन नहीं, पूर्ण स्वशासन की तरफ बढ़ने की थी। जब ये पूर्ण स्वशासन की तरफ बढ़ने लगे, यानी इनको अब ये कहने लगे कि हमें अर्ध स्वशासन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वशासन, यानी अंग्रेज भारत में रहे ही ना। और 1949 में अगर आप देखेंगे तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। लेकिन इससे पहले देखिए तो भारत में एमएन राय 1934 में ही, कांग्रेस ने 1935 में ही भारत में संविधान सभा की मांग कर दी थी। और जब विश्व युद्ध हुआ यानी स्टार्ट हुआ जब, तो ये लगने लगा कि भारत से अंग्रेज जाएंगे, लेकिन ये चीजें नहीं कंफर्म थी कि सब भारतीयों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब अंग्रेज जाएंगे तो भारत का शासन होगा कैसे, यानी भारत में शासन कौन करेगा, कैसे शासन होगा, क्या होगा। तो इसका उत्तर तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने ही दे दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत का शासन जो है भारतीयों के द्वारा होगा, लोकतांत्रिक राज्य होगा। अब लोकतांत्रिक राज्य का मतलब हो गया कि जनता का शासन होगा, यानी कोई राजा या ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होगा। कई सारी चीजें चल रही थी, नेता कई सारे उसमें बटे हुए थे। लेकिन जब 1949 में विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई,
विश्व युद्ध चल रहा था तब ये कंफर्म होने लगा कि अंग्रेज जाएंगे, लेकिन ये नहीं कंफर्म था कि अंग्रेज जो है वो कब जाएंगे। भारतीयों के सामने भी एक प्रश्न बना हुआ था कि हमें भारत का शासन कैसे होगा, और इसका उत्तर जो है वो संविधान में ही था। कारण ये था कि जो वर्ग था छोटे बड़े सबको अपने अधिकारों के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी थी। लोग अब ये दिक्कत हो गई थी कि जहां भारत में इतनी भाषा के लोग हैं, इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, इतने संस्कृति है, सबको कुछ ऐसा चाहिए था कि सब लोग एक साथ में रहें, ना कोई छोटा हो ना बड़ा हो, और एक साथ में रहने के तभी कोई रह सकता है जब समान अधिकार हो। अगर कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा तो बिखराव होने की पूरी संभावना होगी, लेकिन जब सबके अधिकार बराबर होंगे तो बिखराव की संभावनाएं जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, या यूं कह लें नहीं होता। और ऐसा संभव केवल और केवल संविधान के माध्यम से था, इसीलिए भारत में संविधान को जो है लागू किया गया। अब बात याद है, देखिए दो उत्तर हो गया, क्या क्यों, अब बात आता है कैसे। कैसे का मतलब यह होता है कि संविधान जो है वो हमारा बना कैसे, किसने बनाया, क्या हुआ, कैसे बना, इस पे बात होगी। अब देखिए यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, आप जितने भी कुछ सालों में हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है, संविधान कैसे बना, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, क्या था क्या नहीं, तभी उस पर एक एक करके सब पे डिस्कस करेंगे। अब बात आता है कि संविधान हमारा बना कैसे। देखिए अभी पीछे ही हमने आपको बताया कि 1934 में M.N. राय इन्होंने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। इन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, जिसको पहली बार आधिकारिक रूप से 1935 में कांग्रेस ने कहा। अगर यहां पे क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, फिर सुन लीजिए, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, अगर ये पूछता है तो M.N. राय, ये आपका प्रश्न है। दूसरा, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कब की, ये पूछा था कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की, तो उसका उत्तर होता है 1935। दोनों देख रहे हैं तो एक जैसे, लेकिन दोनों के उत्तर अलग हैं, दोनों प्रश्न अलग हैं। ये है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसी यानी व्यक्ति को पूछा जा रहा है, तो M.N. राय होंगे। अगर ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की मांग कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कब की, तो वो होगा 1935। फिर 1942 में क्रिप्स आए भारत, और क्रिप्स ने कहा कि भारत में यानी भारत के शासन के लिए संविधान बनेगा, और यह संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद बनेगा। ये इतना कहे कि जब ये क्रिप्स आए तो इन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा यानी भारत का शासन संविधान के द्वारा चलेगा, लेकिन ये जो संविधान है ये विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद बनेगा, यानी विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद बनेगा। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जब 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1946 में एक योजना आई भारत में, जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946। अब देखिए क्वेश्चन पूछा था कि भारत में संविधान सभा का गठन किस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार किया गया, या किसके रिपोर्ट के अनुसार किया गया, तो उसका उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में संविधान सभा का प्रारूप रखा गया था, यानी संविधान सभा, इसमें यह कहा गया कि संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी, और यह बताया गया कि संविधान सभा का प्रारूप कैसे होगा।
भाई ये होता ना कि अगर हम कहते हैं ना कि हमें जो है ये काम करना है, या हम कह दें कि हमें पैसा कमाना है, तो बात ये आती है कि पैसा कैसे कमाना है। तो कोई कहता है व्यापार करके कमाना है, कोई कृषि करके, कोई नौकरी करके, तमाम सारी चीजें आती हैं। तो नौकरी करके कमाना, तो नौकरी करने के हमें क्या क्या करना पड़ेगा, या व्यापार करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को देखा जाए। तो वैसे ये भी है कि भारत का शासन कैसे चलेगा, संविधान के द्वारा। संविधान बनाएगा कौन, संविधान सभा। संविधान सभा की संरचना क्या होगी, तो वो बताया किसने, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने। इन्होंने बताया कि संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या होगी, यानी संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या होगी ये होगी 389। कितनी होगी, 389। तो एक क्वेश्चन यही पे बन जाता है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389। अब इस 389 को दो भागों में बांटना था। आज भी आप देख लीजिए कि होता ना कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो हम लोग कहते हैं 552 हो सकती है, लेकिन 552 हो सकती है दूसरा, लेकिन अलग अलग राज्यों को क्या है, अलग अलग मिला हुआ है भाई, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग उनको जनसंख्या के अनुपात में मिला हुआ है। जहां जैसी जनसंख्या वहां पे वैसी सदस्य संख्या। तो इस समय जब 1946 में भारत में दो प्रकार के प्रांत थे, एक प्रांत थे जिनको कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और एक प्रांत थे जिनको कहा जाता था देसी रियासत। अब देखिए पहले तो यह समझना जरूरी है कि ये दोनों थे क्या। ब्रिटिश प्रांत यानी जहां पे अंग्रेजों का शासन था उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे। देसी रियासत का मतलब यह है कि देखिए 1857 में जब क्रांति हुई तो 1858 में क्रांति समाप्त हो गई, और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक घोषणा की कि अब ब्रिटिश प्रांत में भारत के नए राज्यों का विलय नहीं किया जाएगा। तो उस समय तक जो कई राज्य बचे रह गए थे, छोटे छोटे राज्य थे वो बचे रह गए थे, तो उन्हें ब्रिटेन में विलय नहीं किया गया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया गया तो वहां का कोई राजा, कोई जमींदार, कोई नवाब था जो रह गया, और उसी को हम लोग कहते हैं देसी रियासत। दूसरी भाषा में कह लें कि वह क्षेत्र भारत का वह क्षेत्र जहाँ अंग्रेज शासन करते थे ब्रिटिश प्रांत होता था, और जहां पर भारत के राजा नवाब या जमींदार शासन करते थे वो था देसी रियासत। अब इसमें ये जो 389 थी, इस 389 को दो भागों में बांटना था, एक बांटना था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा बांटना था देसी रियासत। एक चीज और आप ध्यान रखिए कि ये बंटवारा किया गया था, यानी बंटवारे का जो आधार था, इस बंटवारे का वो आधार था जनसंख्या, यानी जो इसका आधार था जनसंख्या, ठीक। और जनसंख्या कितने पर, 10 लाख पर एक सदस्य ये था। यानी जो ये 389 को दो भागों में बांटा गया था, इसका आधार था जनसंख्या, और जनसंख्या वो क्या था, 10 लाख पर एक सदस्य। आज भी ऐसे है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सबका जो बंटवारा होता है वो जनसंख्या के अनुसार ही होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे विधानसभा राज्यसभा सबकी संख्या ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ की विधानसभा लोकसभा की भी संख्या ज़्यादा है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, अनुपात में होता है। इसका जो अनुपात था वो था 10 लाख पर एक। यहाँ की संख्या ज़्यादा थी ब्रिटिश प्रांत की, तो इनको मिला, टोटल जो मिले वो मिला 296, और 296 जब इनको ही मिल गया तो बचा हुआ इनको मिलना था, वो मिला कितना, 93। यानी ब्रिटिश कुल सदस्य संख्या 389, ब्रिटिश प्रांत को मिला 296, देसी रियासत को मिला 93। ये जो ब्रिटिश प्रांत थे इसमें दो प्रकार के प्रांत थे, ये भी जानना जरूरी, क्योंकि कई किताबों में थोड़ा अलग दिया और समझने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता। दो प्रकार के प्रांत क्या थे इसमें, एक था गवर्नर का प्रांत,
इसी में दो प्रकार के प्रांत थे, एक था गवर्नर का प्रांत और एक था कमिश्नरी। दो प्रकार के प्रांत थे, एक था गवर्नर का प्रांत, दूसरा था कमी। जैसे आज भी देखिए दो प्रकार के प्रांत हैं, एक है राज्य और एक है केंद्र शासित राज्य, दो प्रकार के हो जाते हैं, उसी प्रकार से यह है। तो ये जो गवर्नर के प्रांत थे या इनको मिला था 292 और इनको मिले थे 4 सदस्य, यानी ब्रिटिश प्रांत को मिले 296। और जब इसमें बटे ब्रिटिश प्रांत में तो दो रूपों में बटे, एक गवर्नर के प्रांत के रूप में, एक कमिश्नरी के प्रांत में। तो गवर्नर के प्रांत को मिले 292 और कमिश्नरी को मिले 4, तो 92 और 4 96, 296 टोटल हो गए, और इनको मिले हुए थे कितने, 93। अब देखिए इसको पूरा अगर हम देख लें तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में कैबिनेट मिशन, सॉरी भारत में संविधान सभा का गठन किसके रिपोर्ट के आधार पर, तो कैबिनेट मिशन योजना। फिर पूछा था कैबिनेट मिशन योजना आई कब थी, तो 1946 में आई थी, दो क्वेश्चन। फिर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या तो कितनी है, 389। ब्रिटिश प्रांत को कितने मिले, 296। देसी रियासत को कितने मिले, 93। अब इसमें कभी कभी बोलो गवर्नर के प्रांत को, तो प्रश्न देख लेंगे वहां पे क्या है। तो अगर गवर्नर का प्रांत पूछेगा तो 292, कमिश्नरी को पूछेगा तो कितने मिले थे, 4 मिले हुए थे। भी पूछता है कि इनके बंटवारे का आधार, तो बंटवारे का आधार जनसंख्या, अगर ये पूछे कितने पर, तो 10 लाख पर एक। अब देखिए ये हो गया बंटवारा कि कितनी सीटें किसको मिली, किस आधार पर ये बांटा गया, ये हो गया बंटवारा। अब बात ये आता है, अब देखिए इसमें एक चीज और है कि जो देसी रियासत थे, यहां तो राजा या नवाब का था, यहां पे गवर्नर का था। तो जब वो, अब तो ये हो गया बंटवारा हो गया, तो यहां पे जैसे अभी लोकसभा की सदस्य संख्या है, अलग अलग राज्यों को अलग अलग मिला है, तो बात यह आता है कि अलग, अगर अलग अलग राज्यों को अलग अलग मिला हुआ है तो कौन जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश को 80, तो उत्तर प्रदेश 80 कौन जाएगा, हम जाएंगे, आप जाएंगे, कौन जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है, चुनाव, चुनाव होगा, जो जीतेगा वो लोकसभा में जाएगा। राज्यसभा की भी स्थित है विधान, जैसे मान लीजिए हमारे जिले में 4 विधायक की सीटें हैं, तो बात यह, यानी हमारे जिले से 4 विधायक जाने हैं, तो 4 विधायक में से कौन जाएगा भाई, ये भी तो निर्धारित होना चाहिए कि पूरे जिले से 4 लोग जाएंगे, तो 4 जाएगा कौन। तो उसका उत्तर वर्तमान में चुनाव है, चुनाव होता है, जो जीतता है, जिसको सबसे ज्यादा मत मिलता है वो जाता है। यहां पर भी कुछ ऐसे किया गया, यहां पर क्या हुआ कि इनका किया गया निर्वाचन, ये पूछा जाए ब्रिटिश प्रांत का क्या हुआ निर्वाचन, ठीक, और ये हुए मनोनीत, नामांकन जो मनोनीत किसको कहा जाता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कई सारे जगहों पर या कई सारे ऐसे किताबों में देसी रियासत के जो सदस्य गए थे ये 93, लिख देता है कि इनका हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन और निर्वाचन में और मनोनीत में अंतर होता है। निर्वाचन मतलब जब कोई इलेक्ट होके जाता है, चुन के जाता है, उसे निर्वाचन कहते हैं। जब जनता किसी को डायरेक्ट वोट देती है तो प्रत्यक्ष, और जब जनता के चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं तो अप्रत्यक्ष। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को हम वोट, यानी जनता वोट नहीं देती, जनता के चुने गए विधायक और एमपी वोट देते हैं तो अप्रत्यक्ष, विधायक और एमपी को वोट हम देते हैं तो प्रत्यक्ष, ठीक। तो और मनोनीत का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक योग्यता होती है, और राष्ट्रपति जैसे आप देखिए लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 लोगों का, वो मनोनीत होता है, वहां पर निर्वाचन नहीं होता। तो ये हुए थे मनोनीत, ध्यान रखिएगा कई किताबों में इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मनोनीत हुए थे और इनका क्या हुआ था निर्वाचन। अब देखिए मनोनीत मतलब ये देसी रियासत के जो राजा नवाब थे जिसको भेज देते हो जाता, 93 इनका तो खत्म था, यानी जिसको भेजते उसको जाता। अब इनका जब निर्वाचन हुआ ब्रिटिश प्रांत का, देखिए पूछा जाता है कि ये गए कैसे थे, तो ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, देसी रियासत क्या हुए, मनोनीत हुए। और इसमें जो देसी रियासतों में जो सबसे ज्यादा सदस्य संख्या थी जिसके पास, जिस प्रांत या जिस मनोनीत होने के लिए, उसमें था संयुक्त प्रांत के पास, ये सबसे ज्यादा था। दूसरा, इनका जो ये ब्रिटिश प्रांत था, ठीक,
ब्रिटिश प्रांत का निर्वाचन यानी इनके सदस्यों 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ 1946 में ही, जुलाई और अगस्त दो महीने मिला के चरण में हुए थे। इनका जब निर्वाचन हुआ 296 सीटों का, तो उस समय दो बड़ी पार्टियां थी, यानी जब ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का निर्वाचन हुआ तो उस समय दो बड़ी पार्टियां थी। एक पार्टी थी कांग्रेस और एक पार्टी थी मुस्लिम लीग। तो 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, कांग्रेस मुस्लिम लीग और कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे, उन्हें हम लोग अन्य कह सकते हैं या कहते हैं। इस 296 सीटों में से 208 सीट मिली किसको? कांग्रेस को, ठीक। 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, अगर आप जोड़ेंगे तो 15 सीटें जो है शेष बचती हैं वो मिली अन्य को। एक क्वेश्चन यहां बनता है कि ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिली थी? तो कांग्रेस को संख्या पूछ ले तो 208, फिर दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग को मिली थी 73 थी, उसके बाद जो मिला था वो 15 सीटें निर्दलीय छोटी छोटी पार्टियां थी। तो ये निर्वाचन हो गया, यदि निर्वाचन हुआ तो ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, 208 कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को मिला और 15 सीटें जो है वो अन्य यानी निर्दलीय को जो है वो प्राप्त हुआ। देखिए संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा में जो जिनका निर्वाचन होना था उनका निर्वाचन हो गया। अब बात आती है बैठक की, यानी दूसरे भाषा में कह लें तो संविधान सभा यहां तक जो है वो बन गया। संविधान सभा की जो बैठक हुई, पहली बैठक जो हुई वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक हुई संविधान की। यहां पे लिख सकते हैं प्रथम बैठक, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। देखिए इस पहली बैठक में केवल जो है 211 सदस्यों ने भाग लिया था। पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो केवल 211 सदस्य थे, 389 भाग लिया था, केवल कितने लोगों ने? 211 लोग। इसमें कारण है, अभी हम बताते हैं इसको। 211 लोगों ने इसलिए भाग लिया क्योंकि देखिए इसमें दो पीछे पड़े, एक थी मुस्लिम लीग और दूसरी थी देसी रियासत। इन दोनों ने संविधान सभा का विरोध किया था, यानी दूसरी भाषा में कह लें कि इन लोगों ने संविधान सभा में भाग लेना या भाग नहीं लिया, उसका बहिष्कार किया। कारण थे बहिष्कार के, देसी रियासत को पता था अगर हम संविधान सभा में शामिल हो गए, संविधान बन गया, तो हमारी रियासतें छिन जाएंगी। और मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रही थी, इसीलिए मुस्लिम लीग ने उसमें, मुस्लिम लीग ने भी भाग नहीं लिया और देसी रियासत ने भी भाग नहीं लिया। तो जब मुस्लिम लीग, आप देखिए पीछे 73 सीटें मुस्लिम लीग की मिली थी, 93 सीटें देसी रियासत की थी, इन दोनों ने बहिष्कार ही कर दिया, तो बचा कितना? 208 सीटें जो कांग्रेस को थी वो, और 15 सीटें जो अन्य को मिली थी वो, इन दोनों को मिला करके 211 सदस्यों ने संविधान सभा ने में भाग लिया। यही हिसाब से क्वेश्चन बनता है, चार क्वेश्चन इसी में। पहला कि संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946, दूसरा क्वेश्चन कितने लोगों ने भाग लिया, तो 211 लोगों ने भाग लिया। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग और देसी रियासत ने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया, विरोध किया या उसमें शामिल नहीं हुए। इसी में काम और किया गया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। ये देखिए यहां सभी
बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और अभी आप देखेंगे तो सुपर टेट जो 2018 वाला मामला चल रहा है, यहाँ विवाद भी है। यानी डॉक्टर पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इसी में क्या गया कि डॉक्टर सदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब देखिए इसमें चार क्वेश्चन हैं यहीं पे। पहला, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, कितने लोगों ने भाग, 211। किसने विरोध किया, तो मुस्लिम लीग देसी रियासत। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद सिन्हा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बैठक हुई, और दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक जो हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक में क्या किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा क्या है कि देखिए यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सदानंद सिन्हा में बहुत काफी मामला फंसता है। तो डॉक्टर सदानंद सिन्हा अस्थाई थे, ध्यान रखिएगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अस्थाई थे। अगर कभी ऐसा आ जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष, केवल ऐसा रहे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और ऑप्शन में सदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद दोनों हो, दोनों में से किसी एक को चुनना हो, तो आप राजेंद्र प्रसाद को ही टिक करेंगे, सदानंद सिन्हा को नहीं करेंगे, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो। लेकिन अगर ये पूछ ले अस्थाई अस्थाई, तब तो वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये संविधान सभा चल रही थी, और इसी बीच में एक काम और हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, और 3 जून 1947 को, यानी 3 जून 1947 को भारतीय विभाजन प्रस्ताव पेश, यानी भारत का बंटवारा वाला जो प्रस्ताव था, ये डेट पूछा गया कब पेश किया गया, तो 3 जून 1947 पूछा था किसने, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको पेश किया था, भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। 3 जून 1947 को जो पेश किया गया, तो भारत का विभाजन हो गया। भारत का विभाजन हुआ, दो भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान, यानी दो देश बन गए, एक बन गया आपका भारत और दूसरा बन गया आपका पाकिस्तान। अब यहां पर एक चीजें और चलने लगी, जब भारत का विभाजन हुआ तो मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान में चले गए, जो पाकिस्तान के समर्थक थे, और देसी रियासतों से कहा गया, देसी रियासतों के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं या चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन आप जो हैं स्वतंत्र नहीं रह सकते। यह रखा गया कि आप चाहे भारत में शामिल हो या चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। तो जब यह हो गया कि आपको भारत जाना है या पाकिस्तान जाना है, लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जाने लगे। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे कौन किधर गया। लेकिन यहां पे एक पॉलिटी के दृष्टिकोण से घटना हुई कि जब भारत का विभाजन हुआ तो संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। संविधान सभा का विभाजन हुआ क्योंकि जनसंख्या के आधार पे था। जब यह संविधान सभा का गठन हुआ था तो पाकिस्तान भी भारत में था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो जनसंख्या उधर भी गई, तो उसी आधार पे संविधान सभा का भी विभाजन कर दिया गया। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं। एक तो था पूर्व, और एक बता सकते हैं विभाजन के बाद, दो हैं, यानी एक विभाजन से पूर्व और एक विभाजन के बाद। अब देखिए विभाजन के पूर्व जो संविधान सभा के कुल सदस्य थे,
वो कितने थे अभी पीछे बताया हमने, 389 थे कुल सदस्य, विभाजन से पूर्व की बात हो रही है। तो जब विभाजन हुआ तो 389 से घट करके हो गए 299। ठीक, अब इनको दो भागों में बांटा गया था, एक कौन थे पीछे सब बताएं हम आपको, एक थे ब्रिटिश प्रांत और एक थे आपके कौन देसी रियासत। पीछे बता चुके हैं कि ब्रिटिश प्रांत को जो मिला हुआ था वो कितना मिला 296 और इनको मिला हुआ था कितना 93। ये पहले कहा है, पीछे बताए थे। लेकिन विभाजन के बाद आप खुद सोचे कि जब कुल संख्या 389 से 299 हो गई तो यानी जाहिर सी बात है कि इन दोनों की भी सदस्य संख्या जो है वो घटनी थी। तो जब इनमें परिवर्तन हुआ तो ये 296 से कम होकर के हो गया 229 और ये हो गया कितना 70। दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 299। यानी जो ये सदस्य संख्या है यह है विभाजन से पूर्व की और यह है विभाजन के बाद की। विभाजन हुआ कब, तो अगर विभाजन कब हुआ पूछा जाए तो कब हुआ 3 जून 1947। यह पूछा था कि विभाजन, भारत विभाजन योजना किसने प्रस्तुत की थी, रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार का, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत की थी। और यह भी पूछा था कि भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय, ध्यान रखिएगा, तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जब ये कुल सदस्य संख्या 389 थी, जब ये विभाजन हुआ तो संविधान सभा का विभाजन हुआ तो 299 हो गया। ब्रिटिश प्रांत को पहले मिली थी 296, जब विभाजन हुआ तो 229 हो गए ये। देसी रियासत को पहले 93 मिला हुआ था और जब विभाजन हुआ तो घट करके जो है ये हो गए 70। और सही से देखें तो इन्हीं लोगों ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। अब ये संविधान सभा का विभाजन हो गया, भारत का विभाजन हो गया, ब्रिटिश प्रांतों से कह दिया गया कि आप स्वतंत्र नहीं रह सकते, आप चाहे भारत में आना है भारत में जाइए, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाइए। तो अभी जब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि कौन किधर गया कौन किधर आया, अभी वो उसको यहां नहीं छेड़ते हैं। लेकिन जो लोग जिधर जाना था वो उधर चले गए, तो जो देसी रियासत विरोध कर रहे थे संविधान सभा का वो भी भारत के समर्थक भारत में आके शामिल हो गए, पाकिस्तान वाले उधर चले गए। मुस्लिम लीग भी अपना समर्थन, जो इधर कुछ लोग इधर के थे इधर, नहीं तो सब उधर चले गए। चीजें जो है यहां से सीधी हो गई। अब वो ये चीजें, यानी ये हो गया संविधान सभा का अंतिम प्रारूप। संविधान जो आपका बना, देखिए यहां से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे पीछे हमने आपको बता दिया कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, या संविधान सभा की पहली बैठक दूसरी बैठक, या भारत विभाजन योजना का प्रस्तुत किया गया। देखिए संविधान जो हमारा है, यानी जो बना संविधान, वो बना 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, इतने दिन में जो है संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ। जब ये संविधान, देखिए इस दौरान टोटल 11 बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई। देखिए कई किताबों में ये 12 बैठक देता है, लेकिन वो जोड़ लेते हैं अंतिम वाला, उसको मिला करके ये 11 बैठक हुई। दूसरा, लगभग 64 लाख रुपए, 63 समथिंग था, 64 लाख रुपए लगभग खर्चा आया। और इस दौरान क्या हुआ कि यानी संविधान, इतने आपसे पूछा गया कई बार कि संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर के तैयार हुआ। देखिए संविधान जो है 26 नवंबर 1949, रखिएगा अभी ये काम आएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया। संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। एक डेट और आता है 26
जनवरी 1950। देखिए इन तीनों डेटों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से, देखिए इस समय संविधान हमारा बन करके तैयार हो गया था लेकिन लागू नहीं किया गया। लागू किया गया 3 महीने बाद, यानी जो आपका ये 26 जनवरी को। कारण था क्योंकि ये 26 जनवरी का डेट हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक डेट था। ये था क्या कि इसी दिन 1930 में, 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी और उसी दिन ये घोषणा किया गया था कि भारत प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएगा। और ऐतिहासिक दिन था, ये भी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में, पूछ लिया जाता है कि क्यों लागू किया गया। तो कारण यही था क्योंकि ऐतिहासिक दिन था, घोषणा की गई थी 1930 में कि भारत 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मनाएगा। और इसीलिए संविधान जब 26 नवंबर को ही बनके तैयार था फिर भी लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को। देखिए अगर आपसे पूछा जाए आंशिक रूप से लागू कब 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 हुआ, तो 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर पूर्ण रूप से लागू पूछा जाए तो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ वो कब हुआ, 26 जनवरी 1950। इस डेट को हम लोग कहते हैं गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। इस डेट को पहले हम लोग विधि दिवस कहते थे लेकिन वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगर ये पूछ ले क्यों लागू हुआ, क्यों इसी दिन किया गया, तो ये दिन जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था इसीलिए जो इस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया। अब बात आती है 24 जनवरी क्या लिखा हुआ है, तो ये 24 जनवरी है इस दिन संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। कई बार पूछा गया है ये कि संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम, पहली बैठक उधर बता दिए थे 9 दिसंबर, अब अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। आंशिक रूप से लागू कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। कौन सा दिवस, संविधान दिवस। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। दिवस कौन सा है, गणतंत्र दिवस। अब देखिए जब संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे संविधान में, यानी जब संविधान लागू हुआ था, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि उस समय और आज में अंतर है, परिवर्तन हो चुका है इसमें। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय उसमें थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। यह है संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान में चीजें बदल चुकी हैं। देखिए इसमें बड़ा मतभेद रहता है लोगों का, लेकिन अगर आप कोई भी ऑथेंटिक किताब उठा के देखेंगे किसी का भी, तो वर्तमान में जो बदल चुका है, ये अनुच्छेद हो चुका है 465, ये हो चुका है 25 और ये हो चुका है 12। इसको ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान का है और ये संविधान लागू होने के समय का, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ गया कि ऐसे लिख दिया कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, और ऑप्शन में अगर केवल क्वेश्चन ये रहे कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, वर्तमान या लागू होना कुछ ना लिखा रहे, अगर ऑप्शन 395, 465 लगाएं, लेकिन पूछ लिया लागू होने के समय तब तो ये हो गया, या वर्तमान पूछ लिया तब तो ये हो गया। अगर कुछ नहीं पूछा संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान वाला चलेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो कहीं 25 संख्या लिखी हो ना, आपको नहीं, ए बी करके लिखा मिलता है, और जितने भी अथराइज किताब हैं सब में जो है इसको इतना ही होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां, लागू 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है
काफी। अभी आप जो 2018 में एक पेपर हुआ था पुलिस का, पूछा जाता है संविधान को किसने बनाया, किसने लिखा, क्या है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। यानी संविधान को किसने बनाया, किसने लिखा, सब चीजों में अंतर है। इसी वक्त उसको भी देख लेते हैं, इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा। देखिए, इसमें भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, उन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही संविधान को, माना जाता है भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संविधान को किसने लिखा, हु राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसने लिखा, तो देखिए संविधान जो मूल संविधान है, मूल संविधान है, मूल संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। मूल संविधान को लिखा इन्होंने, और ये जो लिखा इन्होंने इन्होंने इटालियन शैली में लिखा है, इटालियन शैली में लिखा है, यानी इन्होंने इसका सुलेखन किया है। लेकिन इसको सजाया किसने, यानी इसका सौंदर्यीकरण किसने किया, अगर ये पूछा जाए तो दो लोग आते हैं। एक होते हैं ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, और एक है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। ध्यान रखिएगा कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये शांति निकेतन से संबंधित थे। पूछा जाता किससे, किस संस्था से, शांति निकेतन संबंधित थे। अब देखिए चार पांच, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान को किसने बनाया, हु मेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी आर अंबेडकर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संविधान को किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा है। अगर ये पूछा किस शैली में लिखा, तो इटालियन शैली में लिखा। मूल संविधान की बात हो रही है यहां पे। फिर अगर आप संविधान देखे होंगे फोटो या कहीं पे, तो देखिए संविधान के चारों तरफ जो है उसको सजाया गया है, तमाम सारी चीजें बना करके भारतीय विविधता दिखाई गई उसमें। वो काम किया जिसको सौंदर्यीकरण कहा जाता है, तो वो काम किया ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने और नंदलाल बोस ने। यानी लिखा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, सजाया ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने, बनाया भीमराव अंबेडकर ने। पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान को किसने लिखा, लोगों ने लगा दिया भीमराव अंबेडकर, लेकिन उसका उत्तर था प्रेम बिहारी नारायण राय। देखिए बस ध्यान रखिए, पूरा नाम साथ में नहीं देता, कभी कभी तोड़ के देता है, तो उस समय एग्जाम में देख लेंगे। फिर इन्होंने तो प्रेम बिहारी जी ने इटालियन शैली में लिखा था, लेकिन इसका हिंदी सुलेखन भी हुआ, और हिंदी सुलेखन जिसने किया इसका वो थे बसंत कृष्ण वैद, बसंत कृष्ण वैद, ये धा है, इन्होंने इसको हिंदी में लिखा। और अगर सजाने कहा जाए तो इसको सजाया नंदलाल बोस ने। यानी जो हिंदी संस्करण था संविधान का, उसको केवल नंदलाल बोस ने सजाया, और जो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था उसे ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस दोनों ने सजाया। अगर आप पूछे, अगर ऐसे पूछे मूल संविधान किसने लिखा, तो यही होंगे। लेकिन अगर ये पूछ ले संविधान का हिंदी रूपांतरण किसने लिखा, तो बसंत कृष्ण वैद होंगे। किसने सजाया, तो नंदलाल बोस ने सजाया। ये है। यहां एक दो चीजें और पूछी जाती हैं आपसे कि संविधान का जो कानूनी सलाहकार कौन था, संविधान पर कितने लोगों ने सिग्नेचर किया है। तो देखिए संविधान के जो कानूनी सलाहकार थे वो थे बी एन राव, यानी जो बी एन
राव, ये संविधान के थे, संविधान सभा के थे कानूनी सलाहकार, और संविधान में कुल 384 प्लस एक, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 384 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष ने इस पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है, सिग्नेचर किया। आपने पूछा था कितने, तो 384 सदस्य हैं प्लस एक अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनको जोड़ने तो 385 नहीं, तो 384 प्लस एक अध्यक्ष ने क्या किया था कि मूल संविधान पर जो है अपना सिग्नेचर किया था। दोस्तों इसके बाद संविधान, एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा या संविधान की पहली संसद कौन थी। तो देखिए दो चीजें थी, संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, 46 से लेकर के एक टर्म आता है 1950, और 1950 से एक टर्म आता है 1952। दो चीजें हैं। तो ये पूछा था कि भारतीय संविधान का देखिए, जो 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो 1946 से लेके 1950 तक संविधान सभा जो थी वो संविधान सभा प्लस संसद दोनों रूप में कार्य करती थी, और 1950 से लेकर के 1952 तक केवल संसद के रूप में कार्य करती थी। तो कहीं कहीं विधायिका लिखा हुआ था, दोनों बात वही है। यानी 1946 से लेकर 1950 तक संविधान सभा जो है, संविधान सभा का भी यानी संविधान का निर्माण भी करती थी और संसद के रूप में भी कार्य करती थी, विधियों का निर्माण करती थी, और 50 से लेकर के 52 तक केवल संसद के रूप में कार्य करती थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया तो संविधान सभा का जो काम था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान सभा भारत की पहली संसद भी थी। ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत, इस टाइप के कोटेशन टाइप के आते हैं, जब हम प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे तो वो चीजें हम करवा देंगे आपको, इस टाइप की भी आता है। तो इसमें आता है कि कौन संविधान सभा, भारत की पहली संविधान संसद कौन सी थी, तो ये कोटेशन टाइप आता है, करवाएंगे वहां पर करवा देंगे आपको। अभी इतना समझिए कि 46 से लेकर के 50 तक संविधान सभा और संसद दोनों रूपों में, और 50 से लेकर 52 तक केवल संसद। तो एक कोटेशन यहाँ पे बनता है कि संविधान सभा भारत की पहली संसद भी थी, ये सही है क्योंकि यही चलती रही। संविधान सभा की जब यानी जब संविधान सभा संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ठीक, बाकी दोस्तों ये हम लोगों का पॉलिटी का एक चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।